तो नकारो गिनी जा रहे हो उठा लो उठा। आप जो भजन जो स्मरण करें, आप जो भक्ति को धारण करें, उसमें जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। जितने यहां कथा सुनने बैठे हो, बाबा ने अगर आपको यहां बुलाया है कार्तिक के महीने में दामोदर मास में गोदावरी के तट पर बैठकर त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, कपालेश्वर महादेव की साक्षी में, सीताराम सरकार की इस पवित्र भूमि पर पंचवटी में आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शंकर के आप बड़े परम प्रिय हो, इसलिए शिवजी आपका हाथ पकड़कर यहां बुला। कुछ कृपा उसने करी, जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कोई आता नहीं। गौतम बाबा विराजमान, जब गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती, एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है। पुरुष पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना हो, कितने ही विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है। वो कितने विद्वान की पत्नी क्यों नहीं। ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्म पत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी। बहुत विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी ना किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा शंकर भगवान की, शिव महापुराण का जो श्रोता होता है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती। वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता, एक बिछाने की दरी लेकर चलता, एक छाता लेकर चलता, दो पानी की बोलो बोलो जम के बोलो बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सुबेरे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूं। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर दो पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है, एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है, अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव हो जाए।
उसमें भी मुझे एक रसतत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में विराजमान, ये उसके हृदय में विराजमान, और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा हुआ कि वो शिव है, तो वो आनंदता देता है। सुख देता है, ईर्ष्या नहीं है। पर गौतम बाबा की धर्म पत्नी माता हिल्लिया, सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है, इस नासिक की धरा, गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण दो है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता हिल्लिया भी मिट्टी तैयार करती थी जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था, और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक यमराज की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकाग्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी, इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। आपके स्मरण में होगा एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, स्मरण करिएगा, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म विवर्त पुराण का यह संवाद बड़ा सुंदर है। आज देव दीपावली के इस पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। यमराज, धर्मराज स्वयं यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए और यमराज ब्रह्मदेव के पास में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के सारे मुख नेत्र बंद थे, स्मरण नहीं आया ब्रह्मा जी। माता वीणा वादनी ने आवाज लगाकर अपने स्वर में अपनी वीणा से कहा, ब्रह्मदेव दरवाजे पर यमराज आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी ने जो नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि यमराज खड़ा हुआ। सम्मुख में यमराज खड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, यम आज क्या बात है, तुम ब्रह्मलोक में आकर खड़े हुए? यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी मैं संसार के पापी जीवों को नरक का भोग भुगताता हूं, मैं मृत्यु लोक से आने वाले जितने जितने पापी जीव हैं इनको यम का नरक का भोग भुगताता हूं। इन जीवों को जब नरक का भोग भुगताता हूंगा तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दोष मुझे भी तो लगता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पूरा निर्णय देने के बाद भोग भुगताते हो तो आपको पाप लगना ही नहीं चाहिए। परंतु यमराज ने कहा, नहीं, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना कहती है, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना ने कहा है कि अगर
आप जीव को नरक का भोग भी भुगता रहे हो तो कुछ ना कुछ दोष तुम्हारी जिंदगी में लगेगा जरूर। मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, पर इसका उत्तर आपको भगवान नारायण दे सकते हैं। यमराज उसी समय पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज के वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के दरवाजे पर जैसे बैकुंठ में पहुंचे, माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और यमराज ने आकर भगवान के चरणों को प्रणाम करा। जय जयकार हो प्रभु श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम कर पूछा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, लक्ष्मी जी ने संवाद किया, प्रभु यम आए हैं। भगवान नारायण के नेत्र खुले, उठकर भगवान नारायण बैठे, क्या बात है यम, कैसे आना हुआ? यम ने कहा जीवों को जब मैं त्राण देता हूं, जीवों को जब मैं नरक भुगताता हूं, उस समय पर मेरे को भी तो दोष लगता होगा। उस दोष की मुक्ति कैसे, उस दोष का निवारण कैसे? भगवान नारायण ने कहा सुनो यम, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी मां अहिल्या स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर उनकी सिर की गंगा की एक धार 7 केश हटाकर पृथ्वी पर लेकर आई है, जिसका नाम गोदावरी है। अगर यम भूल से भी एक बार उस भूमि पर स्वयं राम चरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं होगा। जहां पर स्वयं राम चरण रखेंगे वो गोदावरी का तट सरल नहीं है, जहां स्वयं शंकर भगवान को भी उनका गुरु मिल जाएगा, वो भूमि साधारण नहीं है, गोदावरी का तट। तुम एक काम करो यमराज, मृत्यु लोक में जाओ, गोदावरी के तट पर जिस पंचवटी में भगवान राम प्रवेश करेंगे, उस पंचवटी भूमि पर वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी के एकांत स्थान में बैठकर तुम शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई जीव का दोष भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, कैसा भी दोष हो समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों से ज्यादा हमारी किस्मत बहुत धनी हुई है, हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी, यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है। और कितने किस्मत वाले होगे मेरे जीजियों, हे मेरी नासिक की जीजियों जीजाओं और मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, कितने किस्मत वाले होगे जरा अंदाजा लगा कर बैठना कि तुम्हारी किस्मत की सराहना नहीं है। दामोदर मास कार्तिक मास में इस गोदावरी के तट पर भले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें ना करें, पर हम 5 दिन शंकर भगवान शिवलिंग अपने दिल में कथा के माध्यम से बना रहे बिठा रहे। ये शिव तत्व सब जगह कथा हुई होगी तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी तिजोरी खोली होगी लुटाने के लिए, पर आज मेरा दिल कहता है कि ये गोदावरी के तट पर तो मेरा बाबा पूरी तिजोरी के दरवाजे खोल कर लुटाए। आप सुनो, दिल से जो प्रार्थना करोगे वह सुनेगा। एक तो तट गोदावरी का, त्रंबक बाबा की साक्षी है, त्रंबक बाबा किधर कपालेश्वर की साक्षी है, कपालेश्वर। जब हम कथा में आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तो आते से ही हमने वो नंदी को देखा, वो बैठा, तुमने देखा कि नहीं देखा? उसको देखते से याद आ गई, रे बाबा गजब करी तूने नंदी बाबा, शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा था
और नंदी तू बछड़े का रूप लाकर शंकर भगवान को इस गोदावरी पर लाकर छोड़ दिया था और ब्रह्म हत्या से मुक्त करा दिया था। इस नंदी ने बछड़े का रूप रखकर ब्रह्म हत्या से भगवान शिव को मुक्त करा दिया था। आज विचार करो और नंदी वास एकांत में बैठा हुआ है शिव महापुराण की ओर देखकर आप और हमको भी यही ज्ञान दे रहा है कि तुम सबको ना जाने कितने पाप से मुक्त कर दूंगा 5 दिन की इस कथा में। कितने और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में चित्र रमाकर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देव दिवाली जो प्रारंभ हुई थी वो त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस दिवाली को मनाया था, उस कथा का रसतत्व ग्रहण करने का तुम्हें और हमको सौभाग्य मिला है। जहां माँ अहिल्या निवास कर रही है उनके पास में जितने ब्राह्मण रह रहे हैं, ब्राह्मणों को माता अहिल्या से तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणों को ना गौतम ऋषि से तकलीफ है, ना गौतम बाबा से तकलीफ है। ब्राह्मण बड़े अच्छे, पर ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां थी जिन्होंने ना कभी सत्संग स्मरण कर किया होता। जिसका पति बहुत विद्वान है, जिसका पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्वान है, वो अपने पति की विद्वत्ता को मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन विद्वान की? चंद्रघंटा विद्वान की जगदम्बा, तो मान ले बहुत बड़ी बात है। एक पंडित जी प्रवचन में बोल रहे थे, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। कौन बोले? बोलो बोलो जम के बोलो। एक पंडित जी प्रवचन में कथा में बोल रहे थे, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। दोष लाकर का क्योरी? अभी 2 दिन पहले मैं बैंगन लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली, तुम ही तो प्रवचन में बोले कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? ये चौकी की कथा थी, इसे चूल्हे तक क्यों लाई? शिव पुराण कहती है, बोलने वाले को सबसे पहले चाहिए कि स्वयं अमल करे। स्वयं अमल। एक पिता अपने बेटे से कहता है, रात को जरा जल्दी आया करो घर पर, नशे से दूर रहो, तंबाकू मत खाओ, व्यसन मत करो। हमारे वो मालेगांव वाले दादा बाबू भूसे पालक मंत्री जी, इनका सबसे अच्छा अगर उद्बोधन हमको लगता है तो एक लगता है, मालेगांव में भी जब कथा हुई तो इन्होंने आखिरी में जब आभार व्यक्त करा, धूलिया में कथा हुई उन्होंने जब आभार व्यक्त करा, तो जितने लोग कथा सुनने आते हैं उन सबसे एक संकल्प करा लेते हैं कि तुम कभी अगर कथा में आए हो तो व्यसन नहीं करोगे, व्यसन को छोड़ो। आज का राजनेता को तुम्हारे व्यसन से कोई मतलब नहीं, पर उनके शब्द अच्छे लगते हैं कि व्यसन छोड़िए, कोई नशा करते हो तो छोड़ दीजिए। अब एक पिता अपने बच्चे से कहे, नशा नहीं करना, नशे से दूर रहो, व्यसन नहीं करना, व्यसन से दूर रहो, पुड़िया नहीं खाओ, तंबाकू नहीं खाओ, गलत काम ना करो, और पिता कहे रात्रि को जल्दी आओ, और पिता ही रात्रि को 11:30-12 बजे आए, कुछ नशा कर कर आए, गलत व्यसन कर कर आए, तो बच्चे मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं मानेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे। उसी तरह बच्चों को
हमें चाहिए कि हम स्वयं भी सवरने का प्रयास करें, हम स्वयं भी सुधरने का प्रयास करें। जब हम सुधरेंगे, एक कथाकार, एक प्रवचन देने वाला, एक कथा कहने वाले पर यह आधारित है। वो कह रहा है चतुर्मास में चार महीना बैंगन, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं खाना। पत्नी ने वो बैंगन उठा के फेंक दिया, नहीं खाएंगे। अब पति कह कि बैंगन कहाँ है, तो के तुमने तो कहा था। चौकी की कथा चूल्हे तक क्यों लिया ना? एक संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, दुनिया के जितने जितने संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक होते हैं, वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को धारण करो। भगवान की अविरल भक्ति को उतारने का प्रयास करो। अब साधु संत स्वयं भी भगवान की अविरल भक्ति में जब डूबते हैं तो कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो शंकर जी क्या क्रोध करते हैं, शंकर जी क्या क्रोध करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। शिव जी का नाम है भोला, इसलिए कहते हैं भोले बाबा। भोले बाबा का मतलब एकदम भोला। भूतों को भोजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा। अरे जम के बोलो, भूतों को भोजन करना आता है? भूत प्रेत को 5-star होटल में जाना आता है? फाइव स्टार होटल में वही जाएगा जिसमें थोड़ा विवेक होगा, अच्छा होगा, तो खाने का तरीका होगा, तो कहीं चलेगा, अच्छी जगह पार्टी में चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, पटक दिया जाता है। अब जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट, उसको तो सब बुलाते हैं। बोलो जम के बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। जिसमें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, खाने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उसे पागल कहते हों, बेकार कहते हों, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है, मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, पगली है, बेवकूफ है, कह दिया माँ। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ है, पागल है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको महादेव अपना बना लेते हैं, उसको महादेव अपना बना। तुम चार बहनें हो, दो बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं, तुमसे बड़ा लिफाफा 1,000 का 500 का उसको मिलता है, तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज़्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था वहाँ शादी हो गई, तुम अपनी ज़िंदगी साधारण से जी रही हो। बहन के घर शादी में गए, सबको अच्छा लिफाफा दिया, सबको अच्छी साड़ी दी, तुमको कमज़ोर साड़ी दे दी, तुमको कमज़ोर लिफाफा दे दिया, तुम्हें साधारण सा मिठाई का डब्बा दे दिया। क्यों? बाकी की बहन पैसे वाली थी, धनपति थी, बाकी के रिश्तेदार पैसे वाले थे, उनको अच्छा दिया, तुम साधारण थी, तुम्हें साधारण दे दिया। तुम घबराना नहीं, रोना नहीं, कभी अंदर से टूटना मत, अंदर से कभी मत टूटना कि मेरे बाकी के रिश्तेदारों को तो मेरी मासी ने खूब दिया, मेरी मामी ने खूब दिया, मेरे चाची ने खूब दिया, मेरी काकी ने खूब दिया, मेरी बुआ ने खूब दिया, बाकी को दिया,
मुझे कम दिया क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ। शिव कथा कहती है जो बहुत विद्वान है, बहुत बहुत प्रबल है, उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनको लोग ठुकरा देते हैं, शिव कहते हैं उनको मैं अपनाता हूँ, वो मेरे हैं। भूतों को कौन पूछेगा, प्रेतों को कौन पूछेगा, गरीबों को कौन पूछेगा? आपके पास में किसी अमीर मंदिर में देने के लिए धन नहीं है, बहुत सेठों का कोई मंदिर तुम्हारे पास में देने के लिए पैसे की गड्डी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण, कोई रतन सोना चांदी नहीं। आप वहां पर जाकर सोचोगे, मेरी बहन ने अभी कार्यक्रम करवाया था, वहां पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने इतना दान करा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कभी ना घबराना, तुम्हारे पास मेरे भोलेनाथ जी ने एक लोटा जल दिया है, उसको दिल से तुम महादेव को चढ़ाती रहना, उसके करीब में जाती, वो नजदीक है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके हो जाओ, लोग आपको बेवकूफ समझे कोई बात नहीं, लोग आपको बेकार समझे कोई बात नहीं, आप किसी काम के नहीं, समझे समझने वाले। एक लड़के के मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ आप ही हैं, एक बार वापस हाथ हिला दो जी। मैं संगीता गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मालेगांव में जो कथा हुई थी तब हमें पता चला कि बाबा की कृपा क्या होती है। गुरुदेव, मेरी बड़ी दीदी के गले में गठान हो गई, जिस गठान का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने कहा इनकी आवाज जा सकती है और ये गठान जो है ये कैंसर के। सब घबरा गए, आवाज भी चली जाएगी, गठान निकालना भी जरूरी है गले में से, करें तो करें क्या। दादा बाबू भूसे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, शिव महापुराण की जो अलख जगाई उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी। कथा का रसतत्व किसे कहते हैं यह हमें सुनना सिखाया। जब दीदी को गठान हुई डॉक्टर ने कह दिया गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए बाहर जाएगी और इसमें रोग है, बीमारी है, वो निश्चित है। फिर वापिस हमने नासिक में दिखाने के बाद में गुजरात में जांच कराई तो भी उन्होंने कह दिया 8 दिन के अंदर इस गठान का ऑपरेशन करा लो, ये ज्यादा फैल रहा, तकलीफ। परंतु इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाज चली जाएगी गले की और गला पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि कंठ पर ही ये गठान है तो पूरा गला वहीं से
कटेगा और वहां से पूरा निकलेगा। क्या करा जाए? तब हम 10 अक्टूबर को वापिस कैंसर सेंटर धूले में, 13 अक्टूबर को ऑपरेशन की तारीख दी गई, और ऑपरेशन की तारीख दी गई तब विचार करा आप करें तो करें क्या। और यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसकी आवाज़ पूरी जाना है, गठान निकली है वो कैंसर की होगी, जांच होगी। उस समय पर मालेगांव कथा थी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से निवेदन करा कि बाबा बहन के गले में अगर गठान है और वो कैंसर की ना निकले और उसकी आवाज़ ना जाए, जहाँ कथा होगी मैं वहाँ कथा सुनूंगी। मालेगांव की कथा के समय पर हम निवेदन करें, बाबा की कृपा से बहन की ऑपरेशन हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहन के हमने डॉक्टर से कहा आपसे बस एक निवेदन है, इसके पलंग के पास में ये बेलपत्र ऑपरेशन के समय पर रख देना। इतने अच्छे डॉक्टर थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने वो बेलपत्र उनके पलंग के पास रखी, गांठ का ऑपरेशन हुआ। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, वो सारे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था, गांठ निकलने के बाद जांच के लिए पुणे गई, वहाँ से रिपोर्ट आई कि ये कैंसर नहीं है और उनकी आवाज़ भी वापिस आ गई। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार वापिस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठी है, श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है वो दड़ी है। मेरी नासिक की जीनियों, आप कथा सुनने के लिए बैठे जरूर हो, बाबा ने अगर बुलाया है, कोई शादी में बुलाता है तो विदाई में मिठाई का डब्बा देकर भेजता है, साड़ी देकर भेजता है, गिफ्ट देकर भेजता है। मेरा बाबा अगर इस नासिक की धरा पर शिव पुराण कथा सुनने बुलाया है तो पांचवें दिन कुछ ना कुछ देकर भेजेगा, जब खाली नहीं भेजेगा, भेजेगा देगा। इसीलिए शिव महापुराण कथा कर साधा। अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। अब भक्ति में डूबी रहती है कि लोग आते हैं उसके चरण छू कर जाते हैं, उसको प्रणाम कर जाते हैं। किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है उसे। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा अहिल्या को देखकर, ईर्ष्या जाग गई। ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं थी, गौतम बाबा को देखकर भी, उनकी धर्म पत्नी को देखकर भी ईर्ष्या नहीं, पर ब्राह्मणियों की ईर्ष्या जागृत हो गई। अब जब ईर्ष्या जागृत हो गई तब ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा, सुनो ये गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि हमारी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, इनको धक्के मारकर निकाल दो, ऐसा करो कि इनका पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान सब घट जाए, कुछ ऐसा करो कि इनकी पद प्रतिष्ठा इज्जत मान सम्मान कुछ घट जाए, करो कुछ ऐसा। अब
क्या करा जाए ऐसा कि पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान चले जाए। तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आह्वान किया। गणेश जी महाराज का आह्वान कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, मांगो ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दो। गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? गौतम ऋषि ने क्या कह दिया? गौतम ऋषि ने शब्द कह दिया, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिया, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या आड़ी टेढ़ी बात कह दिया हो, तो बात दूसरी। ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना माँ अहिल्या कुछ बोली है, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द कहना? केवल ब्राह्मण की धर्म पत्नियों का यह विचार नहीं था। आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पहचानते नहीं, मोबाइल पर किसी ने बस एक कमेंट्स कर दिया कि ये बेकार है, और लोगों ना जाने ना पहचाने अंदर इतनी ईर्ष्या भरी रहती है कि उसमें लोग बेकार बेकार गालियां अपशब्द ताने आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप किसी से मिले ना, जब तक आप किसी को देखें ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही नहीं, और उसने कह दिया कि बेकार, और आपने बेकार कहना चालू कर दिया, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हां अगर कोई कह दे कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है तो चढ़ाओ, कोई कह दे राम नाम लेने का फल मिलता है तो बोलो। एक पत्र आया है, सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, मोबाइल नंबर ये है, कर्म योगी नगर सिटी से सेंटर माल के पास, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप समझ गए ना, बस ठीक है ना। सो ममता संतोष कहीं बैठी हैं, दिख गई? दिख गई? बच्चे को लाई हैं क्या? देखो कैच कैमरे से कैच करके देखो जरा, बच्चों को लाई हैं क्या? सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, मोबाइल नंबर ये है, कर्म योगी नगर सिटी सेंटर माल के पास। गुरुजी क्या वर्णन करूं मैं, 2019 में मेरा बड़ा बेटा जो 19 साल का था भगवान को प्यारा हो गया, मर गया। मेरी एक बड़ी बेटी तो है जो उससे बड़ी है, पर मेरा बेटा 19 साल का लड़का चले गया, बहुत अच्छा था गुरुदेव, वो चला गया, बहुत दुखी रहते हैं। करूं तो करूं क्या, एक ही लड़का था जो चला गया, मन नहीं लगता था। मेरी ननंद ने कहा, जो आपके शंकर की कथा से पहले से जुड़ी हुई है, उसने कहा, भाभी शिव महापुराण की कथा सुना करो, सीवर वाला महाराज टीवी पर आता है, टीवी के सामने जमीन पर आसन लगाओ, कथा सुनो। उस समय गुरुजी आपने कथा में कहा था, जो मांगोगे वो मिलता है, कहीं पर भी बैठ कर कथा सुनो, चाहे पंडाल हो, टीवी हो, मोबाइल हो, बस दिल से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, तब आंख स्मरण कर बंद कर उससे प्रार्थना करी जाती है, गुरुदेव मैंने टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रारंभ करी, मेरा बेटा चले गया, मुझे वो बेटा चाहिए। मेरी ननंद ने कहा, भाभी आप 50 साल की हो गई हो, कहाँ से बेटा होगा, कहाँ से बच्चा होगा, क्यों सीवर वाले महाराज की परीक्षा लेती हो, और कहती हो कि वही महाराज तो कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, भले मैं 50 साल की हो गई तो क्या हुआ, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर महादेव में बल है, शिव महापुराण में बल है, तो मुझे संतान जरूर देगा। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरी गोदी में मेरे गर्भ से 50 साल की मेरी उम्र है, 2021 को 11 मार्च को मेरा बेटा बाबा ने दे दिया। बेटी हो तो हाथ हिला सकती हूँ।
बच्चे साथ में ले आओ। बच्चा है साथ में तो लिया। 11 मार्च 2021 को बाबा की कृपा से मेरी उम्र भले 50 साल की है गुरुदेव, पर मेरे बाबा ने आपका व्यासपीठ से कहा गया एक भी वचन खाली नहीं जाता गुरुदेव, बाबा सुनता है और देता है। एक लाइन आपने लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव कथा। शिव कथा का स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में बाबा सुनता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देवी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देवी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता हम ईर्ष्या से दूर रहें, नफरत से दूर रहें। 5 दिन की शिव पुराण जो नासिक में मिली है, जो जिस कामना से दिल लगाकर इस कार्तिक महीने में सुन ले वो दे। शिव क्या है, क्या देता है, क्या करता है, हमको भी नहीं मालूम पड़ता। वो तो आप लोगों के थोड़े बहुत पत्र पढ़ लेते हैं, थोड़े पत्र यहां रखे हैं, नहीं स्मरण में आता उसको पर क्या है शिव, क्या देता है, क्या करता है, उसका स्मरण आपको मालूम है। शिव कथा कर रहे गणेश जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मत करो, ये सिद्ध नहीं है। क्यों ईर्ष्या रखती, किस लिए, काहे के लिए ईर्ष्या। किस बात की ईर्ष्या अपनी जिंदगी में रखना, किस बात की ईर्ष्या, और उस ईर्ष्या से कारण क्या, अपना ईर्ष्या से भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना बुरा ही होगा। ईर्ष्या से कभी अपना भला नहीं हो सकता कि अपना भला हो, ईर्ष्या से हमेशा बुरा ही होता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश जी महाराज ने समझाया, गणेश जी महाराज ने कहा ये ठीक नहीं है, आप ईर्ष्या ना करिए और ये ईर्ष्या श्रेष्ठता नहीं देगी आपको। क्यों किसी गौतम बाबा पर, क्यों अहिल्या माता पर, किस लिए, क्यों दोष लगाना, किस लिए दोष लगाना, छोड़ो इस बात को। गणेश जी की बात नहीं मानी, आखिरी में ब्राह्मण पत्नी अजित पर अड़ गई और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना पड़ेगा, जरूरी। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए तब उसमें प्रसन्नता, तब उसमें प्रसन्नता। देखो देवता जब देते, जम के बोलो जम के जरा, देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर आड़ के देते हैं, उसकी देने की रीति अलग,
उसकी देने की रीत अलग। ईर्ष्या रखने वाले कितनी भी ईर्ष्या करें, कपट करने वाले कितना भी कपट करें, पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचें, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कितना भी आड़ा टेढ़ा कहें, पर जब मेरा महादेव स्वयं त्र्यंबकेश्वर बनकर कृपा करता है तो दुनिया देखती रह जाती। वो कहे जो बोलने वाला आड़ा टेढ़ा, कहने वाला आड़ा टेढ़ा कहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहे, गाली देने वाला गाली दे, पर जब मेरा बाबा कृपा करता है तो सहज नहीं करता। ২০২১ में 11 मार्च के दिन बाबा ने जुड़वा बच्चे दिए थे इनको, एक बेटा एक बेटी। जोरदार ताली बजाइए। साल का जो बेटा चले गया था और 50 वर्ष की आयु में जो भगवान ने दिया, एक नहीं बाबा ने 56 आड़ कर दिया। जोरदार ताली बजा। बच्चों का नाम शिवाय और शिवांगी रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। अरे लुटा दिया भंडार आशीर्वादी, कर दिया माला काशीवाली, लुटा दिया भंडार काशीवाले ने, कर दिया माला काशी वाले। इस शिव की कृपा से देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर झाड़कर, कम नहीं देते। इस पत्र में एक बात इन माँ ने लिखी है, मैं कभी भरोसा नहीं करती थी किसी महाराज की बात पर, ढेरों से मिली इसके बाद भी मेरा बेटा 19 साल का चले गया। दुख कितना होता है जवान बेटे जाने का, पर गुरुजी आपकी शिव पुराण वास्तव में शंकर खुद बोलता है और एक नहीं एक की जगह दो देता है। शिव तत्व देने वाले, उसकी कृपा क्या होती है वो स्वयं जाने। स्वयं शिव कथा कह रही है। गणेश जी ने समझाया, नहीं मानी, और गणेश जी के समझाने पर भी नहीं मानी, तब गणेश जी गाय बन गए और गणेश जी गोमाता बनकर, दुर्बली सी गाय बनकर, दुर्बल सी गाय बनकर वहां विहार करने लगे, गौतम बाबा की उस कुटिया में विहार। आज गणेश जी को भी प्रसन्नता है कि मैं किस जगह पर गया हूं, किस जगह पर, जिन गौतम ऋषि की इस तपोस्थली में जहां शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां माता अहिल्या मिट्टी को मसकर सुंदर तैयार कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और उस निर्माण का सुख गौतम ऋषि के आनंद में दर्शन में होता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज गणेश जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर जगह पहुंचा। प्रसन्नता जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को चोरी का धन ले जाकर शंकर जी के मंदिर में बैठ गया था और उसको अंदाजा नहीं था क्या मुझे कैलाश धाम मिल सकता है, क्या मुझे कैलाश धाम मिलेगा, उसको अंदाजा नहीं था।
क्या कैलाश मिल सकता है? शरीर में बुखार है, ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शिव मंदिर के अंदर चोरी के धन की पोटली लेकर बैठ गया, ताप कष्ट बहुत था, बुखार आ रहा था। अब इतना शरीर में कष्ट और महादेव 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 हर हर महादेव। मंदिर के अंदर पंडित जी चिल्ला रहे थे और देवराज नाम के ब्राह्मण को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में कष्ट था। जब शरीर में बुखार आता है, ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ता है, व्यसन बढ़ता है, आड़ा टेढ़ा धन बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। तुम रोज पहले तुम भगवान के व्रत कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, पूजन कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, नवरात्रे गणेश जी सब अच्छे से करती थी। अब जैसे जैसे बहुएं आ गई, परिवार बढ़ गया, पोता पोती नाती पंती सब होते चले गए, घर में पूजन का मन नहीं करता। अब अच्छे से कोई पूजन पाठ नहीं होता, मन नहीं लगता। समझ लेना, बुखार बढ़ा तो भोजन छूटा, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूटा, पेट दुखा, सिर दुखा, कुछ भी दुखा तो भोजन छूटा, और घर में अगर पाप बढ़ा, कुछ कष्ट, ये पाप कर्म जब घर में बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट। आज देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में कष्ट था, बहुत कांप रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। किसी ने पूछा धूलिया में, गुरुजी लक्ष्मी नारायण जी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी को, इंद्र इंद्राणी को, कुबेर को, वैभव को, सत्ता को, धन को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठकर हम भगवान को, उस लक्ष्मी को, सुख को प्राप्त कर सकते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लोगे, सारे तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष कौटि कौटि पुण्य का भागी, बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगनिया, 33 कोटि देवता सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। एक बेलपत्र का वृक्ष, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके पास में कोई माला हो ना तो हमको दे दो, हमारे पास में एक बेलपत्र रहती है पोथी की, हम वो दे देते। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, एक एक पुराण को उठाकर देखना, पूरी पुराणों में लिखा है, एक बेलपत्र जब हम किसी को दान देते हैं, एक बेलपत्र जब हम शिव महापुराण पर, या एक बेलपत्र जब हम शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो एक सवा मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सवा मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दे दो, उतना फल केवल एक बेलपत्र दान करने से, शिव को समर्पित करने से मिल जाता, एक बेलपत्र, इतना फल है। क्या बेलपत्र में लोग कहें बेलपत्र थी गुरुजी, हमारी तो पूंजी, अगर कोई हमसे कहे कि सीवर वाले मान जी क्या है तो एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र, ये दो पूंजी है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये पूंजी है।
इसका आनंद है। कष्ट हुआ शरीर में उठाई खाली, दुख हुआ जीवन में एक रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा अपने हृदय से लगाया, आनंद पाया। एक बेटे ने लिखा, सर्विस के लिए अप्लाई करने वाला लड़का जिसने यूपीएससी की तैयारी करी 4 साल, बाबा में ठाणे से 100 योगिता पुरुषोत्तम पाटिल, गांव कंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ठाणे से 100 योगिता पुरुषोत्तम पाटिल, गांव कंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिराग चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से काम की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इतनी मेहनत करी गुरुजी पर कोई फल नहीं मिला। 1 नंबर से कभी 2 नंबर से यूपीएससी में रह जाता था। अब 2022 में यूपीएससी सेंट्रल अमर्ड पुलिस फोर्स का एक एग्जाम उसने भरना चाहा, पर उसने मेरे से कहा, माँ मुश्किल है कि इसमें मेरा हो। मैंने भी कह दिया, सीओर वाला महाराज कहता है, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाने पर अपनी मेहनत पूरी और एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करो, उसका फल जरूर मिलता है। गुरुदेव, उसको विश्वास नहीं था क्योंकि बच्चे हैं आजकल के, भरोसा नहीं करते। मेरे बेटे ने फिर वापिस वही क्रम करा, उसने बेलपत्र भी लगाई तो भी उसका फर्स्ट लिस्ट जो आना थी उस लिस्ट में 1 नंबर से रह गया। मेरा बेटा टूट गया। उसने कहा, माँ देखा, तुम जबरदस्ती महाराजों के प्रवचन सुनती रहती हो और कहती रहती हो, सीओर वाले ने बताया, क्या बताया, मैं रह गया। मेरी माँ ने कहा, तू चिंता ना कर, शिव के मंदिर जाया कर। मैं मंदिर फिर जाने लगा, मन तो उदास था कि 1 नंबर से फिर रह गया, पर बाबा कुबेर भंडारी है। 8 अगस्त 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो 1 नंबर से रहा था वो 1 नंबर की पहली लिस्ट में तो नहीं आया, पर 2 नंबर की लिस्ट में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 14 अगस्त को शिवरात्रि का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा बीएसएफ सबसे बड़ा असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को नमन करते हैं। शिव तत्व है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शिव तत्व ओघड़ी शंभु इसी को कहते हैं संत परिषद। एक विश्वास जागृत करो, एक अंदर से भरोसा जागृत करो, शिव है क्या उसको पहचानने का प्रयास। जिस दिन तुम देव अधिदेव महादेव को पहचान गए उस दिन तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बिंदु देवराज के प्राण छूटे, कैलाश धाम गया क्योंकि माता ने जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाने का फल मिलता है। दुनिया भले हंसे तुम पर कि पानी चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर नासिक की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, आप कथा जरूर सुन लोगे। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद तारीख लिखकर रखना कि मैंने ये कथा इतनी तारीख को सुनी थी। इंतजार जरूर करना, जो दिल से मांगा है इंतजार करना, मेरा बाबा देखकर जरूर भेजेगा। जल्दी नहीं होगा, थोड़ी देरी हो सकती है। जब 19 साल का बेटा चले गया तो उस बेटे की जगह 50 साल की आयु में भी अगर वो 2 बच्चे दे सकता है तो वो कृपा करने में देरी नहीं कर सकता, समय लग सकता, थोड़ी देरी हो सकती, करे। बिंदु ब्राह्मण प्राण छूटे, प्रेत की योनि में चले गया, चंचुला देवी ने शंकर पार्वती से कहकर शिव महापुराण की कथा कर।